God surely listens, understands, and knows the hopes and fears you keep in your heart. For when you trust in His love, miracles happen. Rukmini भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी जो लक्ष्मी का रूप माना जाता है। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी के जन्म वैशाख एकादशी को हुआ था। रुक्मिणी श्री कृष्ण के इकलौती रानी थी। रुक्मिणी के अवांछित विवाह को रोकने के लिए श्री कृष्ण उनका अपहरण कर लिया, भाग गए और दुष्ट शिशुपाल से बचा के शादी भी कर लिए। रुक्मिणी के पिता भीष्मक रुक्मिणी के विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे। भीष्मक मगध के राजा जरासंध का जागीरदार थे। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह को कड़ा विरोध किए थे, क्योंकि श्री कृष्ण जरासंध के दामाद कंस को वध करने से जरासंध का विरोधी बन गया। अगर रुक्मिणी के विवाह श्री कृष्ण से हुआ तो रुक्मिणी के पिता भीष्मक भाई रुक्मी भी जरासंध के विरोधी बन जाएंगे। इसलिए रुक्मी श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह को विरोध करके रुक्मिणी के विवाह जरासंध का और एक जागीरदार करीबी सहयोगी और श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल से करना चाहता था। पर रुक्मिणी बचपन से नारद मुनि के बातों से प्रभावित होके श्री कृष्ण से प्यार करती थी और उनके ही पत्नी बनना चाहती थी। इसलिए जब शिशुपाल के साथ उनका विवाह निश्चय होने के बाद ये खबर श्री कृष्ण को भेजी, जो रुक्मिणी से बहुत प्यार करता था। रुक्मिणी के योजना के अनुसार श्री कृष्ण जब रुक्मिणी शादी के पहले दुल्हन के वेश में शिवजी के पत्नी देवी गिरिजा के मंदिर में पूजा समाप्त करके बाहर निकली तो श्री कृष्ण रुक्मिणी को वहां से उठाया और ले गया। श्री कृष्ण और रुक्मी के बीच भयानक द्वंद्व युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण उसे मारने वाले थे। रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और विनती की कि उनके भाई को क्षमा कर दे। तब श्री कृष्ण रुक्मी के सर के बाल आधा काट के छोड़ दिया। एक योद्धा के लिए इससे अधिक शर्म की बात और नहीं हो सकती है। द्वारका में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का बड़े ही धूमधाम और समारोह के साथ स्वागत किया गया। तुलाबारम रुक्मिणी के जीवन की एक घटना है जो ये बताती है कि भौतिक धन से अधिक विनम्र भक्ति का मूल्य है। एक बार नारद महर्षि द्वारका में श्री कृष्ण के और एक पत्नी सत्यभामा को बातों से ऐसा संकेत दिया कि श्री कृष्ण सत्यभामा पर जो प्रेम प्रदर्शित करते हैं वो वास्तविक नहीं है और रुक्मिणी को उनके हृदय पर वास्तविक नियंत्रण है। ये बातें सत्यभामा से सहन नहीं हुई। उनके बातें साबित करने के लिए नारद महर्षि सत्यभामा को एक व्रत करने के लिए कहा, जिस व्रत में श्री कृष्ण को नारद महर्षि को दान में देना है और तुलाभार धन देकर श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करना है। अगर सत्यभामा इस तुलाभारम में सफल हुआ तो श्री कृष्ण का प्रेम सत्यभामा पर कई गुना बढ़ जाएगा। पर सत्यभामा सफल नहीं हुआ तो श्री कृष्ण नारद महर्षि के दास बन जाएंगे। अहंकार पूरित सत्यभामा तुलाभारम के लिए तैयार होके नारद महर्षि से कहती है कि वह इतनी संपत्ति जुटा सकती है कि श्री कृष्ण को पाना उनके लिए आसान है। तुलाभारम के दिन सत्यभामा श्री कृष्ण के अन्य पत्नियों से विनती के बावजूद श्री कृष्ण को दान में दे दी। वापस श्री कृष्ण को पाने के लिए सत्यभामा एक तराजू का व्यवस्था की, जिस पे एक तरफ श्री कृष्ण को बिठाया गया और दूसरे तरफ सत्यभामा के गहने सोना
सब डाला गया पर तराजू हिला नहीं। नारद महर्षि सत्यभामा को धमकी देने लगा कि श्री कृष्ण उनके गुलाम बनने वाला है। सत्यभामा अपना अभिमान छोड़ के श्री कृष्ण के अन्य पत्नियों को अपने गहने देने के लिए भीख मांगने लगी। वे श्री कृष्ण के लिए प्यार से सहमत है, लेकिन अफसोस इनका कोई फायदा नहीं है। आखिर में नारद महर्षि रुक्मिणी के मदद लेने का सुझाव देता है। तब रुक्मिणी प्रार्थना के साथ पवित्र तुलसी की एक पत्ती को तराजू पर रखती है, जिससे तराजू भारी होके सारे गहने निकालने के बाद भी नीचे ही रह गई। इस कहानी से तुलसी का महत्व बताया जाता है और भगवान का विनम्र भेंट किसी भी भौतिक संपदा से अधिक नहीं। रुक्मिणी के भाई रुक्मी रुक्मिणी से बहुत प्यार करता था, पर श्री कृष्ण से नहीं। रुक्मिणी से प्यार के कारण रुक्मी अपने पुत्री रुक्मावती की विवाह श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से किए। रुक्मी के पोथी रुक्मलोचना के विवाह श्री कृष्ण के पोथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से हुए। अनिरुद्ध के विवाह के लिए जब श्री कृष्ण बलराम सब विदर्भ गए थे, वहां कलिंग राजा आया था। वे रुक्मी के मित्र थे और उनको किसी को भी खुश देखना सहन नहीं होता था। उस विवाह में रुक्मी के परिवार और श्री कृष्ण के परिवार खुश रहना कलिंग राजा देख नहीं पाया। रुक्मी के पास जाके कलिंग राज, आपके स्वभाव बहुत अच्छा है, श्री कृष्ण रुक्मिणी को उठा के ले जाके आपको आधा मुंडन करा के अपमान किया, तो भी आपने ये सब भूल के आपके पुत्री के विवाह श्री कृष्ण के पुत्र के साथ किया। श्री कृष्ण के अपमान के कारण आपको राजधानी भी छोड़ना पड़ा, तो भी आपने इतना जल्दी अपमान कैसे भूल गए, कहा। कलिंग राजा के बातों से रुक्मी को पुराने दिन की दुश्मनी याद आ गई और श्री कृष्ण बलराम को अपमान करने के लिए कलिंग राजा के सलाह से रुक्मी बलराम को जुआ खेलने के लिए बुलाया। कलिंग राजा ने रुक्मी को बलराम को जुआ खेलना नहीं आने के कारण वो हारेगा और वो जब भी हारेगा रुक्मी को हंसने के लिए कहा, जिससे श्री कृष्ण को बुरा लगे। इस तरीके से बलराम और श्री कृष्ण को अपमान करने के लिए कलिंग राजा ने कहा। कलिंग राजा जैसा कहा बलराम को जुआ में रुक्मी ने बुलाया और जब वो हारा रुक्मी हंसने लगा। श्री कृष्ण जो वहां थे, जिसको सब पता था, प्रेक्षक बनके देख रहे थे। आखिर में बलराम जीता तो भी रुक्मी नहीं माना। दोबारा फिर बलराम जीता तो भी रुक्मी बलराम के जीत स्वीकार ना करते हुए हंसने लगा। तब आकाशवाणी ने बताया कि बलराम जीता, तो भी रुक्मी बलराम के कुल के नाम पे गाय पालक बोलते हुए मजाक करने लगा, जिससे बलराम क्रोधित हुए और एक ही भुक्के में रुक्मी को और कलिंग राजा को मार दिए। तब श्री कृष्ण उठ के रुक्मिणी से अब हम जाएंगे, कहा। रुक्मिणी श्री कृष्ण से हाँ जरूर कहते हुए चुपचाप पति के साथ निकल गई। रुक्मिणी श्री कृष्ण के मन अच्छे से जानती है। अपने पति पर पूर्व भरोसा है कि वो सब जानता है और सही ही करेगा। मायके वालों पर प्यार से भी पति पर प्यार विश्वास ज्यादा है रुक्मिणी को। विश्वास रखना जीवन का मौलिक सिद्धांत है।